न्यूज़ रिपोर्टर पप्पू और कैमरामैन पेलू के साथ यह हमारी रिपोर्टिंग ग्राउंड लेवल से जारी होती हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में ये बोर्ड और CBSE एग्ज़ाम और UP बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है 10वीं 12वीं का। तो आइए हम कुछ छात्रों से जानकारी लेना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद किनको क्या फ़र्क पड़ा है, कितना दुख लगा है, कितनी क्षति पहुँची है, कितने लोग खुश है, कितने लोग नाखुश है। तो देखिए यहाँ पे एक छात्र बैठे हैं, बहुत नौजवान टाइप के हैं। तो आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम टिंकू यादव है। हमको थोड़ा झुकने में परेशानी, थोड़ा खड़े सकते हैं। हाँ बोलिए सर। तो आप टिंकू यादव, आप किस क्लास में हैं? हम इस साल हाई स्कूल में थे। हाई स्कूल UP बोर्ड CBSE बोर्ड? अच्छा, UP बोर्ड में हो। तो सुनने में तुमको जानकारी होगी कि UP बोर्ड और CBSE का वो कैंसिल हो गया है। हाँ, वो तो हो गया। तो आपको इससे क्या मतलब, क्या है, खुश है ना खुश है, कि क्या आप कैसा लग रहा है? बहुत दुख लगा कि इस UP बोर्ड। कैमरा मैन फोकस करिए, इनको बहुत खुशी है कि मतलब ना खुशी है कि इनको मतलब जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है। ये नहीं चाहते थे कि कैंसिल हो, तो क्यों चाहते थे कि कैंसिल ना हो? कि जब फलाना का लड़का जब 90% ला सकता था तो हमको भी विश्वास था कि हम 85% ला सकते थे। 85%? चलिए, बहुत ही पढ़ने में तेज लग रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि सपना है इनका, इनके घर वालों का अपना नाम रोशन करेंगे, 85% लाएंगे। तो आप ये बताइए कि आपका हाफ ईयर कितना नंबर था? थोड़ा कैमरा नीचे करवाइए, बंद करवाइए। नहीं नहीं, कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा चालू रहेगा आपका, एकदम लाइव चल रहा है, किसी को कुछ नहीं बताया। एग्जाम में हमारा नंबर तो ठीक नहीं आया था, लेकिन 45% आ गया था। 45%? हाँ 45%। बस अच्छा, कैसे सपना देख लिया 85% का, एकदम बकचोद आदमी है क्या आप? लेकिन हम जब बहुत देखें कि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर कम आया है, तो बहुत पढ़ाई किए हम लोग, और इस बार सपना था कि हम कर सकते हैं, 80 नंबर ला सकते हैं। भूसड़ी का जब गर्मी में बरसात में तुम नहीं पढ़ पाए, तो ठंडा के दिन में सब रजाई में सोते हैं, तो तुम उसमें कैसे पढ़ाई कर लिए बे? अरे जूतियाँ बनाता है, जूतियाँ बनाता है, मर, 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 मर। चले हैं, आए हैं यहाँ पे, 85% लाएंगे, 45% बोल के गाड़ी नहीं मराओगे, साल भर गाड़ मराए हो, लाल चट्टे हो, 85% लाओगे। कि अभी आपने देखा कि ग्रामीण लड़के से बात किया, अब हम चल रहे हैं शहरी लड़कों की तरफ जो कि CBSE वाले होते हैं। तो आइए हम कुछ CBSE लड़कों से बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हैं। तो ओ बेटे, भाई भाई खबर देना, ओ बेटे लाड़ावा डाले हो कानवा में, खुद तो बर्बाद हो रहे, उसको बात करो। खड़ो क्या है, किस क्लास में हो? 12th क्लास में। तो पेपर तो तुम लोग ऐसे पास हो गए फ्री में? तब क्या? तो कैसा लग रहा है? अच्छा ही लगेगा ना, फ्री में पास हुए तो। हाँ तो साल भर लाना चाटे हो तो अच्छा ही ना लगेगा। ये सब आप क्या बोल रहे हैं भोसड़ी वाला, तुमको पता ही नहीं, जैसे पूछ रहे हो क्या हो, क्या बोल रहे हैं, बोल, बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, तो पहले बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, रुको रुको, यहाँ भाग जाओगे सऊदी अरब। क्या खेल रहे थे उसमें? पबजी खेल रहे थे। कैमरा बंद करो, पबजी तो बंद हो गया, कैसे हमको भी बताओ थोड़ा। जुगाड़ से चला रहे, VPN लगा के चलता है, सब चलता है यहाँ पे, VPN वो भी चलता है। हाँ भोसड़ी वाला, तुम पबजी खेला है, तुम सारा देश का जवान हो, तुमको जाके सीमा पर लड़ना चाहिए, ISIS पीस पर बनना चाहिए, तुम यहाँ पे लड़ना बनना चाहिए। अरे साला घरिया, माइक धर, माइक धर, चप्पल दे, चप्पल दे, चप्पल दे, चप्पल, फक फक भोसड़ी फक। भोसड़ी वाला ये पबजी खेल रहे हैं, पूछ दिया जाए कि पबजी का राजा कौन है तो गनिया चार देंगे एक बार में। पबजी खेल रहे हैं, कैमरा बंद कर। जैसा कि अभी हमने दो छात्रों से बात किया, तो उन्होंने बताया कि हम, एक ने बोला कि हम बहुत खुश हैं, एक ने बोला कि हम बहुत नाखुश हैं। उस बोल जो बोला नाखुश है उनको तो हम गड़ियाँ मार देते साले का। वो भोसड़ी वाला बोल रहा है कि हम 45% लाए थे, या लाएंगे 85%। साल बल्लाड़ चटा है, या बोल रहा है कि हम 85% लाएंगे। तो वो सब छोड़ो, बात ये है कि अब जो लोग खुश हैं वो तो बोल रहे हैं कि हमारे मोदी जी हमारे राम हैं, या योगी जी हमारे कृष्ण हैं। अभी जब गणियाँ मारेंगे फिसिया के लिए ना, तो कहेंगे कि इतने भोसड़ी रावण है, कंस है, गरीब हिंचद। वो खैर छोड़िए साला, हम अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इस साला मूड ख़राब कर दिए एकदम, लड़ना लहसुन सब बोल बोल के। तो रिपोर्टर पप्पू और कैमरामैन पेलू के साथ यही न्यूज़ रिपोर्टर समाप्त होते जा रहे हैं। दारू चखन खाना मंगा रहे, छोड़िए कुछ साला, एक बहुत देख बहुत बड़ा सा कैमरा चालू बा। अरे भोसड़ी वाला तो के कहानी है, जब कैमरा बोल दें कि पप्पू पेलू के साथ कैमरा बंद कर देना चाहिए। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत किए हैं हम पप्पू और हमारे कैमरा मैन पेलू, आप नहीं करेंगे तो लाड़ा सब्सक्राइब करेंगे, इतना गाँव में हम लोग बैठ के वीडियो बना रहे हैं, लॉकडाउन लग गया है। सॉरी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।